अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने कहा दो दिन तो आपके लिए वीडियो बनाई है, एक तो मंडे की बनाई थी और एक आपके लिए जू की बनाई थी। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। तो अभी चलते हैं जी अपने सड़क पर और देखते हैं जी, ठीक है, आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास आज, कुछ नया कुछ है कि नहीं आया, ठीक है जी, चले जी। अच्छा जी, तो सेटअप जिस तरह था वैसे ही है, ठीक है। तो हमने सेटअप में कोई तब्दीली नहीं की, अलबत्ता ये है कि तोते शोते पाना दानी सब कुछ है, आदाना पानी भी है और यहाँ पर देखते हैं जी। अच्छा, इसको हुई थी खुश्की जी मुँह को, और ऐसी खुश्की थी ना कि ना जाने वाली खुश्की हुई इसको, तो आपको पता है कि खुश्की हुई थी, देखें ना, ठीक है। और इसका इलाज कोई क्रीम श्रीम नहीं है, कोई क्रीम नहीं लगाना जी, क्रीम तो एक मैंने आपको लगाया है, तो अगर आपको रेगुलर दे सकते हैं तो ठीक है। अच्छा, आपने इस तरह कर रहे हैं ना कि पायोडीन के साथ खुश्की वाले जो होते हैं ना मुर्ग, पायोडीन के साथ पानी में पायोडीन मिक्स करना है जी, उसके साथ थोड़ा सा जो है ना वो मिक्स करना है नींबू, ठीक है जी। तो लेमन मिक्स करके उसके साथ फिर आपने क्या करना है कि पायोडीन का पानी इनके मुंह पर लगाना है, ठीक है जी। जो लेमन और ये लेमन पड़ा भी है यहाँ पर, तो इन लेमन ये है, ठीक है। तो इनका पानी आपने इसके मुंह पर लगाना है, फिर इसको थोड़ा सा साफ करके एक नरम सा कपड़े के साथ, ठीक है। तो नरम कपड़े के साथ साफ करके फिर इसको दोबारा आपने ओरिजिनल नींबू इसके मुँह पर रगड़ना है, मगर इसकी आंख बंद हो या ऐसे हो कि इसकी आंखों तक ना पहुंचे, ठीक है ना। तो खुश्की का इलाज बस लीमू है, और जो एक आपको मैंने वो क्रीम बताया है, क्रीम है, तो क्रीम ये है कि हम रेगुलर दे नहीं सकते, और लीमू कम से कम दो दिन इसकी खुश्की नहीं होती, जब बारिश हो जाएगी तो ये खुश्कियाँ ख़त्म हो जाएगी। अमान अल्लाह। अच्छा, अपडेट ये चीता है, चीता के ये कोई अपडेट नहीं है, इसका तो मुंह सही है, इसका मुंह बहुत खराब हो चुका था, इसका मुंह बहुत ख़राब हुआ था, अभी तो काफ़ी ठीक हो गया है। अच्छा, खुश्की उस बर्ड में आती है जो अकेला हो, अब देखें ना इसमें खुश्की नहीं है, मुर्ग में उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, किसी मुर्ग में भी खुश्की नहीं है, मगर जो अकेला हो ना उसमें आती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं जब इनको डाइट देता हूँ ना इन परिंदों को, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ मैं इनको क्या डाइट देता हूँ। मैं इनको डाइट देता हूँ जी रोटी, जो रोटी हमने पानी में भीगी होती है ना, और उसमें फिर हम आप लोग पंजाबी में मेरे ख्याल में कहते हैं चोकर, और पश्तो में हम कहते हैं बुरा, तो चोकर मिलाते हैं उसमें और इनको देते हैं, ठीक है। तो चोकर से इनकी सेहत माशाल्लाह मैंने देखी है, नोट की है काफ़ी, मतलब इसका जो दाना शाना होता है ना, दाना शाने से चोकर मुर्गियों के लिए बहुत बेस्ट है, और बीमारी जो है ना वो अल्लाह की तरफ से है, वो पता नहीं कि कब बीमार हो जाएंगे और कब मरने, इंसान का क्या पता है और जानवर का क्या पता है, क्योंकि ये तो सांस लेने वाली चीज़ है, हम भी सांस लेते हैं, ये भी लेते हैं। तो देखें ना, इसका मैंने वज़न चेक किया काफ़ी है माशाल्लाह, ये काफ़ी, इसका मतलब ये है कि चेंज आ चुका है। तो चोकर जो है ना बेस्ट है मुर्गियों के लिए, तो दिन में एक दफ़ा अगर दाना देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज चोकर ही दिया करें। अच्छा, ये इसकी वज़न देखें, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उठाता हूँ ना इस मुर्गे को, उस मुर्गियों को, ये बहुत बड़ी है, मतलब माशाल्लाह इसकी जो वेट है ना, ये मैं उठा नहीं सकता, मतलब एक हाथ से नहीं उठा सकता, ये काफ़ी बड़ी है। तो चोकर इज़ द बेस्ट फॉर इनके हेल्थ के लिए, मुर्गियों के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये इनकी जो कहते हैं ना ये पोट, बिल्कुल इस तरह ना इतना बाहर निकल रहा है, देखें ये इन्होंने चोकर खाया है, रोटी और चोकर और सालन वगैरह जो हमसे बच्चे बचते हैं ना, तो सारा हम इनको खिलाते हैं, ये देखें जी।
अच्छा आजकल जो है ना इंक्यूबेशन इंक्यूबेटर तो ठीक है, मगर जो ब्रूडर है ना इस्तेमाल ना करें, बच्चे मर जाते हैं। तो ब्रूडर के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, और इंक्यूबेटर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मुर्गियाँ जो है ना वो मतलब ये कि हम लोग ने ज़्यादातर इंक्यूबेटर से निकाले होते हैं तो उनकी कुड़क बहुत कम होती है। तो कोशिश करें कि आप इंक्यूबेटर में जैसा बच्चे निकले तो उसको एक डब्बे में रखें, और फिर एक डब्बा एक दो दिन बाद उसको निकाल के तो धूप वगैरह में रखा करें। तो हमने कुछ इस तरह सेटिंग किया अंदर, अभी हो रही है, अभी सेटिंग नहीं हुई, सेटिंग हो रही है ठीक है। देखिए हमने ये कमरा खोल दिया इनके लिए, बच्चों के लिए भी, इनके भी। ये इंक्यूबेटर जा रहा है, ऐसे जरासीम आ जाते हैं जिस तरह फार्म में आते हैं, तो इसको फिर हम लोग स्टेबल नहीं कर सकते दोबारा, इसको मतलब ये साफ़ करना नहीं, इसको हम मैंने इसको बेच दिया, साफ बात है ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना सिस्टम इस तरह है कि देखिए ये कबूतर है, मुख्तलिफ़ नस्ल के कबूतर है, आपको आज नज़र नहीं आएंगे सही, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ इस तरह के जोड़े जो है वो आपको तब नज़र आएंगे जब मैं कल यहाँ पर इनके लिए बाकायदा एक स्टैंड लगाऊंगा। स्टैंड कहते हैं ना वो जिस पर ये बैठते हैं, तो वो मैंने बनवाया है, कल वो बंदा लेकर आएगा। और ये देखें, ये है डेनिश, क्वालिटी चेक करें जरा जी, प्योर प्योर डेनिश, और ये डेनिश की बीवी है, उल्टा पकड़े मैंने। और इसको ये है कि ना इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है कबूतर को, हाँ ठीक है जी, एग्जॉस्ट भी ऑन कर लिया जी ठीक है। ऊपर भी जोड़ा बैठा हुआ है ब्लैक टाइगर, इधर भी बैठा हुआ है, इनको मैं निकाल रहा हूँ बाहर, ताकि ये बस ये कमरा मैंने कबूतरों के नाम कर दिया है। यहाँ पर बस ये कि एक और रह जाएगा वो ये जो पेटी में बंद है ना, अभी पेटियों में बंद हैं तो दिखा नहीं सकता, ये अंडे अभी काफ़ी गर्मी हो गई है तो अंडा यहाँ पर रखा भी है इसने एक, देखे मैं अंडों को यहाँ पर सेव करता हूँ, बच्चे हैं ना आ जाते हैं तोड़ देते हैं। तो ये सेटअप हो गया अंदर का, यहाँ पर कल से सब कुछ आपको सेट नजर आएगा, ये पंजे भी नहीं होंगे, मुझे ये पता है ये कल नहीं होंगे, इसको हम निकाल रहे हैं। और कुछ और कबूतर और मुर्गे भी लिए, वो भी आ रहे हैं सेटिंग कि हमने वैसे भी कर ली है, तो इंशाल्लाह कल आ रहे हैं। और ये है हमारी सेटअप की मतलब सूरत हाल ताज़ा तरीन, और इन्होंने अंडे शुरू कर दिए हैं माशाल्लाह, तो शुक्र है कि इन्होंने अंडे शुरू कर दिए, मेरा सेटअप पर फर्स्ट टाइम इन्होंने अंडे लेग्स किए इस मौसम में, पहले इन्होंने नहीं किए थे। अच्छा इसके लिए फीमेल आ रही है माशाल्लाह, और बाकी जो है बाकी आपके सामने है, कुछ ख़ास नहीं है, देखें ना ये भी जाते हैं, ये जो मर रहा है ना ये सबसे बड़ा मुर्गा है, और चुप चुप वो मैंने वीडियो बंद की थी, यहाँ चिल्ला रहे थे तो मैंने कहा देखिए बस जी अब सेटअप बस यही रहेगा, ऐसे ना ज़्यादा करेंगे ना कम करेंगे, एक बस मैंने ये पिंजरा रखा है यहाँ पर, इसके लिए मुर्गियाँ आ रही है, तो वो भी आप एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए कि वो एक ख़ास चीज़ है ये ठीक है। बाकी सफाई मफाई हमने कर ली जाएगी, और ये है हमारा सेटअप। तो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे कह दे, और लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें जी, बस अगर अच्छी लगती है तो आप व्यू करें, लाइक किया करें सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें, और हमारे इसी में खुशी होती है ठीक है जी। बाकी आज मैं मंडी जा रहा था, मगर मेरा जो कमर है ना उसमें आपको पहले भी कहा था कि मसला है, और बाहर शादी भी हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ उसका भी, आप ज़रा मज़ा लें। ये हमारे पड़ोसी हैं, उनकी हाँ शादी हो रही है, तो मैंने कहा चले आपको ज़रा दिखाता हूँ। चले शादी मुबारक हो इसके लिए।
तो सुनते हुआ ला माँ वीडियो ऑन करे था हाँ हाँ वाह हाँ 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 चले जी अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़ मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह पामान।